हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बोला था कि आपको सरप्राइज देखने को मिलेगी, वो है कि मैं आज से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी तक तो मैंने जितनी भी वीडियो अपलोड की थी वो छोटी छोटी वीडियो अपलोड की थी, थोड़ी बहुत किचन की पार्ट भी थी, लेकिन वो छोटे छोटे पार्ट करके मैं अपलोड करती थी। लेकिन आज आपको देखने को मिलेगी पूरी एक ब्लॉग। तो अभी तो टाइम हो रहा है रात के 9 बजे, और रात के 9 बजे मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और ज़रूरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं नए घर में शिफ्ट करी हूँ, तो ये मेरा किचन है। अभी तक तो हाल ही में हमने शिफ्ट किया है, जस्ट दो दिन हो गया है, और अभी तक तो सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है, और दो तीन चीज़ अभी तक आने वाली है, मैंने सामान आने वाली है, तो अभी तक तो घर पूरा सेटअप नहीं हुआ, इसलिए मैं अभी तक आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। किचन थोड़ी बहुत मैंने सेटअप की है, अभी तक बहुत सारी चीज़ करनी बाकी है। तो चलिए आज की ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अभी रात के टाइम है और मेरे हस्बैंड गए हैं ऑफिस, लेकिन अभी तक वो नहीं आए हैं क्योंकि उसका कन्फ्रेंस है आज और लेट हो गए वो। मैं और मेरा बेटा ही है घर पर, तो अभी तो हम रात में रोटी खाते हैं, तो अभी तो आटा गूंदूंगी, और मेरे बेटे थोड़ी राइस खाती है तो उसके लिए थोड़ी चावल बनाऊंगी। बस चलिए आगे देखते हैं मैं कैसे क्या करती हूँ। मैंने बेटे के लिए चावल भिगो कर रखी है, थोड़ी सी चावल। अब खुद के लिए मैं गूंदूंगी आटा, और मैंने आटा एक जगह प्रिपेयर किया है। मैं रात को 3 रोटी खाती हूँ। हम बंगाली हैं ना, बंगाली अब पहले तो बंगाली कहते थे 3 टाइम ही राइस खाते थे, लेकिन अब सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो इसलिए अब थोड़ी बहुत रोटी एक टाइम ही सब राइस खाते हैं। लेकिन मैं अभी तक एक टाइम ही, मैं 2 टाइम राइस खाती हूँ। सुबह मैं राइस लेती हूँ और दोपहर के टाइम भी, लेकिन दोपहर के टाइम में ना थोड़ी सी राइस लेती हूँ, उसके साथ कुछ अगर कोई फ्रूट हो तो फ्रूट लेती हूँ, या फिर दही। अब तो गर्मी की सीज़न आ गई है तो दही जमा लेती हूँ रात मैं घर पर, तो दही खा लेती हूँ। तो दोपहर में मैं ओवर ईटिंग तो कभी नहीं करती, और थोड़े बहुत नॉर्मल जैसे सब खाते हैं ऐसे वैसे मैं खाती हूँ। चलिए मैं अब आटा गूंद लेती हूँ। पता है मैं जब देख सॉरी एक मिनट पता है मैं जब देखती थी ना यूट्यूब में, जब वीडियो देखती थी तब मैं भी सोचती थी कि सब तो ऐसे ब्लॉगिंग करते हैं, क्यों ना मैं भी ट्राई करूं। तो सबकी मैं वीडियो देखती थी, हर तरह की वीडियो मैं देखती थी, तो मैं तब सोचती थी कि क्यों ना मैं भी ट्राई करूं। तब बहुत पहले तो बहुत डर लगता था, क्योंकि पहले तो मैं कभी ऐसे कैमरा को फेस नहीं किया था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे हौसला दिया कि नहीं, तुम कर सकती हो, करो, अच्छी नहीं होगी। मैं तो बंगाली हूँ ना, तो मेरी कुछ फ्रेंड्स तो बोलते थे तुम बंगाली में ही बोलो क्योंकि तुम्हारी हिंदी अच्छी नहीं है। मुझे पता है कि मैं थोड़ी बहुत जगह पर अटक जाती हूँ, क्योंकि देखो हम तो नॉर्मली हिंदी में घर में नहीं बात करते, हम तो बंगाली में ही बात करते हैं ना, तो बंगाली में बात करते करते अब हिंदी तो मैं सुनती हूँ क्या टीवी पे, अगर कोई मूवी हो या फिर कोई सीरियल हो, तो अगर हम नहीं लेकिन मैंने सोचा कि कोशिश तो करनी जा सकती है,
कि सबने बोला कि तुम बंगाली में ही बोलो, बहुत से लोग बंगाली में ये ब्लॉगिंग करते हैं, तुम भी बंगाली में ही बोलो। लेकिन मुझे पता नहीं, पहले से ऐसा लगता था कि मैं हिंदी में ही ब्लॉगिंग करूँगी, क्योंकि मुझे हिंदी में भी मेरी हिंदी को भी इम्प्रूव करना था, तो इसीलिए मैं हिंदी में ही बोल रही थी। कि पता आई नो कि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तो धीरे धीरे वो भी अच्छी हो जाएगी अगर आप ही सपोर्ट रहे तो। आप शायद सोचोगे कि मैं रात को लिपस्टिक क्यों लगा के रखी हूँ, अब रात को 9 बज गए हैं। तो मैं थोड़ी देर पहले एक वीडियो शूट की थी, तो उसी के लिए मैंने थोड़ी बहुत लिपस्टिक लगाई थी। ज़्यादा घर पे तो मैं मेकअप या कुछ नहीं करती, या भी कोई सीसी वाई या बीबी क्रीम भी नहीं अप्लाई करती, और रात के टाइम में तो कौन ऐसे मेकअप ब्लॉगिंग में कौन इतनी सेस्टर मेकअप करके ब्लॉगिंग करता है। मैं डेली लाइफ में जो जैसे नॉर्मल मैं रहती हूँ वैसे ही तो मैं आपको दिखाऊंगी, रिप्रेजेंट करूँगी मैं खुद को। हाँ, अगर मैं कहीं जाती हूँ, कहीं घूमने जाती हूँ, बाहर जाती हूँ या फिर आउटडोर जाती हूँ, तब तो थोड़ी देर बहुत सजना संवरना तो सबके लिए अच्छा होता है, तो तब तो मैं कर लेती हूँ। मेरी पिछले वाली वीडियो जो अपने अगर आपने देखी है तो वहाँ पर भी तो आप देख रहे होंगे। तो मेरी आटा मैंने गूंद ली है, ये देखिए मैंने 3 डो बना ली है, क्योंकि मैं 3 रोटी खाती हूँ रात को। मेरे हस्बैंड भी 3 रोटी खाते हैं, लेकिन आज तो वो नहीं है, वो नहीं खाएंगे। और कुकर पे मैंने चावल रख दी है, थोड़ी भिगोने के लिए रख दी है, तो थोड़ी देर बाद मैं चावल गैस पे चढ़ा दूँगी। और अभी मैं रोटी को बेलूँगी, फिर उसको मैं रख दूँगी। तो चलिए फिर आपसे मिलती हूँ। अभी सुबह के हो रहे हैं 7, और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैं सोकर उठी थी। मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे अभी तक सो रहे हैं, तो सुबह तो मैं चाय नहीं पीती, तो मैं लेती हूँ नींबू पानी। चलिए आज मैं वो बनाऊँगी, फिर मैं नींबू पानी पीऊँगी और सुबह के नाश्ते के ब्रेकफास्ट मैं रेडी करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, अभी है शाम के 4 बजे। मैंने सुबह आपसे मिली थी और पूरे दिन कैसे निकल गया वो तो पता नहीं चला। मैं सोच रही थी कि अब मैं आपसे थोड़ी बात करूँगी, लेकिन जब अब घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता। तो मेरे तो 4.5 साल का बेटा है, तो वो उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने सोच रही थी मैं जो काम करूँगी करते करते वीडियो शूट करूँगी, थोड़ी देर आपसे बात करूँगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो रहा था क्योंकि हस्बैंड सुबह ऑफिस जाएंगे, उनका टीम ब्रेकफास्ट ला टिफिन वो पैक करनी होगी, और बेटे तो अभी तक स्कूल उसका स्टार्ट नहीं हुआ, 4 अप्रैल से उसका स्कूल स्टार्ट होगा। तो मैं सोच रही थी मैं थोड़ी बहुत आपसे बात करूँगी, लेकिन पॉसिबल नहीं हो रहा था। सिर्फ ये दिमाग में चल रहा था कि मैं कब आपसे बात करूँगी, तब अब जाके मैं फ्री हुई हूँ और मेरा बेटा भी सो रहा है। देखोगे, रुको, वो देखो मेरा बेटा अभी सो रहा है, बहुत मुश्किल से उसे सुला रहा है,
क्योंकि और पता है आज वेदर बहुत अच्छा हो गया है और यहाँ पर क्लाउडी वेदर हो गया है, तो वेदर ऑफिस से तो यही बोला गया है कि आज बहुत तूफान या बारिश होने वाली है। चलो थोड़ी देर वेदर ठंडी तो रहेगी। वैसे मैं जहाँ पर रहती हूँ यहाँ पर घर पे तो ऐसे कोई बहुत गर्मी नहीं लगती है। और पता है आज हम जाएंगे अलमीरा लेने, अलमीरा लेने मतलब देखने जाएंगे, तो अगर सब ठीक ठाक होगा तो शायद आज भी ले सकते हैं या फिर कल, अगर पसंद आ जाएगी तो आज तो डिलीवरी नहीं करेंगे, कल डिलीवरी करेंगे। तो अलमीरा लेने से ना एक कन्फ्यूजन थी कि मैं बोल रही थी कि मैं 3 डोर वार्डरोब लेनी है मुझे, और मेरे हस्बैंड बोल रहे कि कमरा तो बिल्कुल कोलकाता में तो 2 BHK फ्लैट है लेकिन बड़ी तो नहीं है, तो 3 डोर फ्लैट अभी फिलहाल जगह नहीं होगी, अगर होगी भी तो पूरी ब्लॉक हो जाएगी रूम। तो वो बोल रहे थे कि अभी फ़िलहाल के लिए 2 डोर अलमीरा ले और 3 डोर बाद में लेंगे। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं 3 डोर वाली वाटरप्रूफ ही लूँगी, लेकिन वो तो पता नहीं क्या होगा, जब स्टोर में जाएंगे तब ठीक है डिसाइड करेंगे क्या लेना है, 2 डोर या 3 डोर। चलो लेट्स सी क्या होता है। तो पता है मैं आज ये नाइटी पहनी हूँ, ये मेरा नया नाइटी है, और घर में तो मैं यहाँ पर नाइटी ही पहनती हूँ, ससुराल में नाइटी पहनती हूँ और साड़ी भी पहनती हूँ, लेकिन यहाँ पर तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे रहते हैं तो यहाँ पर तो सिर्फ मैं नाइटी पहन सकती हूँ। सुबह मैंने सलवार पहनी थी तो वो ना, वो मेरे बहुत सारे सलवार कुर्ती वगैरह ये सब है, तो मैंने सोचा कि और थोड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है तो मैं उसे घर में ही पहनना स्टार्ट कर दूँगी। जब मैं वहाँ पर रहती थी तब तो ऐसे जब बाहर जाती थी तब पहनती, लेकिन घर पे तो नहीं पहनती थी, घर पे तो साड़ी या नाइटी ऑल्टरनेटिव करके पहनती थी, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया कि मैं घर पे भी सलवार पहनूँगी, सलवार नाइटी साड़ी नहीं, सलवार नाइटी कुर्ती घुमा फिरा कर ये सब पहनूँगी। और आपको अगर आज मेरा जो फर्नीचर आने वाला है वो अगर आ जाए तो मैं कल आपको सेटअप करके आपको दिखा दूँगी, सेटअप करके रख दूँगी। सो फाइनली हम जा रहे हैं अलमीरा लेने। आज की व्लॉग मैं यही तक एंड करती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे कल दूसरे व्लॉग में मेरी अलमीरा के साथ। और अगर मेरी और जो मैंने एक चीज़ बोली थी आने वाली है वो अगर आ जाए तो वो भी आपको दिखा देंगे। अगर मेरी आज की ये फर्स्ट व्लॉग आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 करना, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे अच्छे व्लॉग आपके लिए बना सकूँ। टिल देन, बाय बाय।